बिल्लू और मोती का कमाल। एक दिन जब बिल्लू और मोती खेल रहे थे, मोती जाओ उस गेंद को पकड़ कर लाओ। मोती गेंद के पीछे दौड़ लगा देता है, मोती बिना गेंद के ना लौटना। लेकिन आगे जाने पर वो बॉल एक दूसरा कुत्ता अपने मुंह में पकड़ लेता है। तभी बिल्लू भी वहां आ जाता है। बिष्णु, तुम्हारा कुत्ता हमारे खेल को बिगाड़ रहा है, उसे कहो कि हमारी गेंद नीचे रख दे। मेरा रॉकी ट्रेंड कुत्ता है, तुम्हारा पिल्ला उसका क्या मुकाबला करेगा। मोती को गेंद पकड़ना आता ही नहीं, देखो गेंद ऐसे लाई जाती है। इतना कहकर बिष्णु गेंद को जोर से फेंक देता है। रॉकी जाओ गेंद को पकड़ कर लाओ। मेरा रॉकी शहर का सबसे ज्यादा अक्लमंद कुत्ता है, गेंद के खेल में उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर मेरे मोती ने तुम्हारे रॉकी को मात दे दी तो बिल्लू मैं अपनी टी शर्ट उतार दूंगा, नहीं तो तुम मुझे अपनी कमीज दे देना। मंजूर। बिष्णु का कुत्ता मुंह में फटा जूता दबाए वापस आता है। रॉकी ये क्या, गेंद के बजाय फटा जूता। तुम्हारे खुश होने का समय अभी नहीं आया, अभी मैं हारा नहीं हूँ, तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम्हारा पिल्ला गेंद पकड़ कर ले आएगा। ठीक है। बिल्लू गेंद को फेंकता है, मोती जाओ गेंद लाओ। गेंद टप्पे खाते हुए चली जाती है और मोती उसके पीछे दौड़ लगा देता है। गेंद पिस्टन साहब के बंगले में चली गई, वहां से वह उसे क्या ला पाएगा। लेकिन मोती कुछ मुंह में दबाए आता दिखाई दे रहा है। मोती मुंह में एक हेड दबाए वापस आ रहा होता है। पिस्टन साहब का हेड, मेरा रॉकी जूता ले आया, तुम्हारा पिल्ला हेड, हिसाब बराबर हो गया। मोती पास आकर हेड को उलट देता है। देखो हेड में से गेंद निकली, दरअसल गेंद हेड में जा गिरी होगी, मेरा मोती दोनों को उठा लाया। विष्णु को मजबूरन अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। टी शर्ट तो अब उतारनी ही पड़ेगी। विष्णु और रॉकी, कम्बक तुमने मेरी लुटिया डुबो दी।